क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज कहां से शुरू हुई? लगभग 100 अरब आकाश गंगाओं में से प्रत्येक में अनगिनत तारे हैं। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरपूर होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है? क्या हम अकेले हैं? यह प्रश्न अनधिकाल से मानव जाति को परेशान करता रहा है, और फिर भी हमारे पास अभी भी कोई निर्णायक उत्तर नहीं है। हमारी अविश्वसनीय तकनीकी प्रगति के बावजूद हमें कभी भी पृथ्वी से परे अलौकिक जीवन का कोई विश्वसनीय रेडियो सिग्नल या यहाँ तक कि सबसे छोटा निशान भी नहीं मिला है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी संस्थान, जिसने 1984 में अपनी स्थापना के बाद से बुद्धिमान प्राणियों के रेडियो संकेतों के लिए आसमान को भर दिया है। केपलर अंतरिक्ष दूरबीन, जिसने अपने मिशन के दौरान 5 लाख से अधिक तारों का अवलोकन किया, 2500 से अधिक एक्सोप्लैनेट की पुष्टि की, और हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, जिसने किसी एक्सोप्लैनेट की पहली प्रत्यक्ष छवि ली थी, शायद किसी अलौकिक सभ्यता का सबसे आकर्षक संभावित संकेत प्रसिद्ध वाह संकेत है। ये बहुत संक्षिप्त लेकिन बहुत तीव्र रेडियो सिग्नल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा 15 अगस्त 1977 को पता लगाया गया था, और यह 1 मिनट और 12 सेकंड तक चलता रहा। सिग्नल इतना दिलचस्प था कि खगोल शास्त्री जेरी अहमन ने उत्साहपूर्वक वाह शब्द का डेटा प्रिंटआउट पर उपयोग किया था। अधिकांश अब इस बात से सहमत हैं कि वाह सिग्नल एलियंस के होने की संभावना नहीं है, लेकिन हाल ही में मई 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने वाह के संभावित स्रोत की पहचान की। सूर्य जैसा तारा पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष से थोड़ा अधिक दूर, फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या हम अकेले हैं? इस प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर अभी के लिए यह है कि हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ब्रह्मांड में कहीं और जीवन मिलने की कितनी संभावना है? ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद तकनीकी सभ्यताओं की संभावना से संबंधित 2 सबसे प्रतिष्ठित अंतर्दृष्टि फर्मी पैराडॉक्स और ड्रेक समीकरण हैं, जो क्रमशः एनरिको फर्मी और फ्रैंक ड्रेक द्वारा तैयार किए गए थे। फर्मी विरोधाभास इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करता है कि हर कोई कहाँ है। अगर उन्नत सभ्यताएं हमसे पहले अस्तित्व में रही होती तो उनके पास अंतरतारकीय यात्रा विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होता और वे इसे पृथ्वी पर ला चुके होते। अगर हमने अंतरतारकीय यात्रा का आविष्कार किया तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हमारे पास जीवन के स्थानों की भविष्यवाणियां हैं, लेकिन वे अभी भी सैकड़ों या अधिक प्रकाश वर्ष दूर हैं। भले ही हम प्रकाश की गति से यात्रा कर सकते हैं, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हमारा भविष्य किस दिशा में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्नत जीवन पाने की संभावना काली या सफेद है। इससे पहले कि हम यह अनुमान लगाना शुरू कर सकें कि उन्नत जीवन कहाँ और क्या मौजूद है, हमें बहुत कुछ खोजने और सीखने की जरूरत है। ड्रेक समीकरण इस पहेली के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करता है। ड्रेक समीकरण उन तकनीकी सभ्यताओं की कुल संख्या निर्धारित करने का एक प्रयास है जो वर्तमान में ब्रह्मांड में मौजूद हो सकती हैं। ऐसा करने के लिए समीकरण खगोलीय जैविक मनोवैज्ञानिक और तकनीकी तत्वों को ध्यान में रखता है। फिर भी हमारे अपने अस्तित्व के कारण ड्रेक समीकरण पर विचार करते समय कम संभावनाओं के बावजूद भी हमारी बुद्धिमान सभ्यता मौजूद है, इसलिए दूसरों के लिए भी संभावना है। फिर भी सवाल बना हुआ है, क्या हम अकेले हैं? क्या हमें विदेशी जीवन की तलाश करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो कहां? अभी के लिए हमें अभी भी ईटी से एक निश्चित रेडियो सिग्नल की पुष्टि करनी है, या अंतरिक्ष यान के साथ सौर मंडल से परे ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीक विकसित करनी है। हालांकि हमारे सौर मंडल में अभी भी बहुत सारे ग्रह और यहां तक कि चंद्रमा भी हैं जिन पर हम सूक्ष्म जीवी जीवन की खोज कर सकते हैं, लेकिन देखने के लिए सबसे अच्छी जगहें कहाँ हैं?
पृथ्वी और उसके चरम वातावरण, कम से कम हमारे दृष्टिकोण से, चरम के निरंतर अध्ययन से हम जानते हैं कि जीवन वहां भी पनपता है जहां हम इसकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। इसी तरह की जगहें बर्फ की चोटियों के बीच या लाल ग्रह की सतह के नीचे छिपी हो सकती हैं, लेकिन चट्टानी समुद्र तल को छूने वाले तरल पानी की उपस्थिति जीवन के लिए एक जगह की रोमांचक संभावना को खोलती है। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रहों, बौने ग्रहों और यहाँ तक कि चंद्रमाओं के अंदर गतिशील प्रक्रियाएं काम कर सकती हैं, और हम 1970 के दशक से जानते हैं कि पृथ्वी का गहरा समुद्र तल हमारे ग्रह और समुद्र के पानी के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान की अनुमति देता है। शायद गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट पर हमें जो जीवंत मरुद्यान मिलते हैं, उन अलौकिक महासागरों के नीचे भी ऐसे ही समकक्ष होते हैं। जबकि नासा के क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस मार्स रोवर क्रमशः गेल क्रेटर और जेजेरो क्रेटर के भीतर जीवन के प्राचीन और संभवतः वर्तमान संकेतों की खोज में व्यस्त हैं, नासा वर्तमान और भविष्य दोनों मिशनों पर कड़ी मेहनत कर रहा है जो ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की तलाश करेंगे। लेकिन इनमें से कौन सा मिशन आखिरकार हमें लंबे समय से चले आ रहे सवाल का जवाब देने में मदद कर सकता है कि हम अकेले हैं या नहीं? हमारे सौर मंडल के भीतर मैं आगामी ड्रैगनफ्लाई मिशन को चुनूंगा। शायद यह मिशन जीवन के निशान को उजागर कर सकता है। जिस दूसरे मिशन पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, वह वर्तमान में चालू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST है, जो हमें एक्सोप्लैनेट पर बायोसिग्नेचर और टेक्नोसाइंचर की खोज करने में सक्षम बनाता है। यदि मानवता को अलौकिक जीवन मिल जाए तो क्या होगा? भले ही हमें पृथ्वी से परे बुद्धिमान या यहां तक कि सूक्ष्म जीवी जीवन मिल जाए, तो इसका मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम इस खोज के साथ आएंगे कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, या क्या हम अपना सामूहिक दिमाग खो देंगे? भले ही अलौकिक जीवन की खोज बेहद रोमांचक होगी, ये ब्रह्मांड में हमारी जगह नहीं बदलता है। परग्रही जीवन की खोज आरामदायक होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे ब्रह्मांड में मानवता के स्थान को हटाना चाहिए। हम हमारे चारों ओर के जानवरों और पौधों की तरह अरबों वर्षों के विकास के उत्पाद हैं, और यह अपने आप में अविश्वसनीय है। यदि हमें अलौकिक जीवन मिलता है, तो हमने ब्रह्मांड की कहानी को समृद्ध किया है, न कि स्वयं को कम किया है। विदेशी जीवन की तलाश जारी है। अभी के लिए सेटी रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करना जारी रखता है। JWST आश्चर्यजनक छवियों और डेटा के साथ हमारे दिमाग को उड़ाता रहता है। मंगल ग्रह के रोवर अपने लैंडिंग स्थलों के पास ड्रिलिंग छेद करते रहते हैं, और बाहरी सौर मंडल का पता लगाने के लिए भविष्य के मिशनों की योजना बनाई जाती रहती है, जिससे और जीवन के संकेत मिल सकें। और फिर भी प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्या हम अकेले हैं? शायद एक दिन मानवता अंततः इस प्रश्न का उत्तर जान लेगी, लेकिन जब तक वह दिन नहीं आ जाता, हम बस अपनी खोज जारी रख सकते हैं।